अध्याय 24। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था, चेलों ने अलग उसके पास जाकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम युद्ध और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूइंडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पड़े वो समझे, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या विश्राम के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहां है या वहां है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दें। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें, देखो वो जंगल में है, तो बाहर न निकल जाना, देखो वो कोठरियों में है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमक जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे, और वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें तब तक ये पीढ़ी जाती न रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र,
परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक की नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता हो कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। सो वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वो जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। परंतु यदि वो दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी बाट न जोहता हो, और ऐसी घड़ी कि वो न जानता हो, और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा।